Hello everyone and welcome to all of you at the channel Job Test Preparation Competitive Exams. Now I am here with a new video recording vacancy announcement at Rescuer 1122 Government of Khyber Pakhtunkhwa. Government of Khyber Pakhtunkhwa Rescuer 1122 ने कुछ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की है. ये ऑलमोस्ट 300 प्लस वैकेंसीज हैं. हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कौन सी वैकेंसी है और उसके लिए एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है. तो मेन वीडियो की तरफ जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो रिगार्डिंग वैकेंसी अनाउंसमेंट या डेटा से रिलेटेड प्रिपरेशन डेटा से रिलेटेड तो आपको वर्ली मिल जाए और आप ड्यू डेट से पहले अप्लाई कर सकें. रेस्क्यू 1122 जो है वो अवामुल नास को उनकी दहलीज पर खिदमात फराहम करने के लिए अपनी सर्विस को बढ़ाने के लिए बशमूल दूसरे डिपार्टमेंट्स जो हैं ये कोशां हैं. रेस्क्यू 1122 को हाली असामियों पर रेगुलर भर्ती के लिए खैबर पख्तूनख्वा बशमूल हाली जमशुदा अजला से ताल्लुक रखने वाले चाको चौबंद और खिदमत के सरशार नौजवानों की ज़रूरत है और जो है किसी भी अजला में पोस्ट किए जा सकते हैं. खवातीन उम्मीदवारों की हौसला अफजाई की जाएगी. सबसे पहले जो पोस्ट है वो कंप्यूटर ऑपरेटर BPS 16 की एक सीट है और ये अकलीती कोटा यानी मेरिट के ऊपर है. इसमें BSc कंप्यूटर साइंस BA विद DIT रिक्वायर्ड है और उम्र जो है वो 18 से 30 साल है. तजर्बे की ज़रूरत नहीं है. ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस इंस्पेक्टर BPS 14 की चार सीटें हैं. जोन 1 की 2 5 की 1 और खवातीन कोटा मेरिट के ऊपर एक सीट है और यहाँ पे किसी भी सरकारी इदारे से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिप्लोमा 3 से 5 साल का तजर्बा और 20 से 30 साल की एज रिक्वायरमेंट. ऑडियो वीडियो कैमरामैन BPS 14 की एक सीट है. जोन 1 की यह सीट है. BSc BA 2 साल तजर्बा और कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर तजर्बा होना चाहिए. उम्र 20 से 30 साल है. लीड फायरर रेस्क्यूअर BPS 12 की 2 सीटें हैं. जोन 1 की दोनों हैं. डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग 1 साल का तजर्बा. उम्र 18 से 30 साल. एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन BPS 12 की 43 सीटें हैं. जोन 5 की 22 हैं. अकलीती कोटा 21 है. अकलीती कोटा मेरिट के ऊपर है. पैरामेडिकल डिप्लोमा नर्सिंग LHV तरजीह जो है वो हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी एंड सर्जिकल टेक्नोलॉजी वालों को दी जाएगी. मुतल्लिका तजर्बा रखने वालों को अहमियत दी जाएगी और उम्र की लिमिट है 18 से 30 साल. वायरलेस टेक्नीशियन BPS 11 की 5 सीटें हैं. जोन 1 की 2 जोन 2 4 और 5 की 1-1 FSC इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा DAI रिटायर्ड अफराद को तरजीह दी जाएगी. वायरलेस और आलात की देखभाल वालों को महारत हो. तजर्बा 3 से 5 साल और उम्र 20 से 30 साल. इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन BPS 11 की एक सीट है और यह खवातीन कोटा मेरिट के ऊपर है. किसी सरकारी इदारे से डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी तजर्बा रखने वालों को अहमियत दी जाएगी. उम्र 20 से 30 साल है. फायर रेस्क्यूअर की BPS 11 की 29 सीटें हैं. खवातीन कोटा मेरिट के ऊपर 11 अकलीती कोटा 11 खवातीन कोटा 18 अकलीती कोटा 11 मेरिट के ऊपर हैं. डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग या FSC प्री इंजीनियरिंग DAE डिप्लोमा हजरात को तरजीह दी जाएगी. उम्र 18 से 30 साल. डिजास्टर रेस्क्यूअर की BPS 11 की 7 सीटें हैं. खवातीन कोटा मेरिट के ऊपर 5 अकलीती कोटा मेरिट के ऊपर 2 डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल और मुतालका तजर्बा हो और उम्र 20 से 30 साल. नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है ड्राइवर तैराक यानी जो तैराकी कर सकता हो. BPS 11 की 13 सीटें हैं और इसमें जोन 1 की 4 जोन 2 की 2 जोन 4 की 1 जोन 5 की 2 खवातीन कोटा मेरिट पे 3 अकलीती कोटा मेरिट पे 1. इसमें मेट्रिकुलेशन होनी चाहिए. 5 साल तजर्बा और गहरे समंदर में तैरने वाले आर्मी से रिटायर्ड अफराद को अहमियत दी जाएगी. उम्र 25 से 35 साल. हेल्पर फॉर हैवी मशीनरी BPS 5 की 14 सीटें हैं. मेरिट पे 1 जोन 1 की 3 जोन 2 की 3 जोन 3 की 3 जोन 4 की और जोन 5 की 2-2 सीटें हैं. मिडिल पास होना चाहिए. बीमाई LTV लाइसेंस 2 साल तजर्बा. उम्र 18 से 30 साल. LTV ड्राइवर BPS 6 की 171 सीटें हैं और इसमें जोन 1 की 49 जोन 2 की 22 जोन 3 की 29 जोन 4 की 12 और जोन 5 की 39 सीटें हैं. अकलीती कोटा की मेरिट के ऊपर 20 सीटें हैं. मेडिकल पास होना चाहिए. जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त होना चाहिए. HTV लाइसेंस या LTV लाइसेंस होना चाहिए. किसी भी मुस्तनद अदारे में 3 साल तजर्बा. उम्र 18 से 30 साल. प्लम्बर BPS 6 की एक सीट है. जोन 1 की है यानी पढ़ा लिखा होना चाहिए और मुतल्लिका शोबा में कम से कम 3 साल का तजर्बा हो. 18 से 30 साल की ब्रैकेट है.
उसके बाद है ऑफिस अटेंडेंट BPS 3 की 13 सीटें हैं, मेरिट के ऊपर 4, जोन वन की तीन, जोन टू की 2, जोन 5 की 1, खवातीन कोटा 2 और अकलीती कोटा 1 है। मेडिकल पास, मिडिल पास होना चाहिए, उम्र 18 से 40 साल है, किसी मुस्तनद अदारे में 3 साल तजर्बा। माली BPS 3 की 3 सीटें हैं, मेरिट पे 1, जोन 1, जोन 2 की और जोन 3 की 1 सीट है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त, उम्र 18 से 30 साल। उसके बाद हजाम की 1 सीट है, BPS 3 की, जोन 1 की 1 है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, मुतलका शोबे में कम से कम 3 साल का तजर्बा, 18 से 30 साल की ब्रैकेट है। सिक्योरिटी गार्ड BPS 3 की 29 सीटें हैं, जोन 1 की 4, जोन 3 की 7, जोन 5 की 11, अकलीती कोटा मेरिट के ऊपर 7, मिडिल पास होना चाहिए, उम्र 18 से 40 साल और 3 साल मुतलका तजर्बा। सिक्योरिटी इदारों से रिटायर्ड अफराद को तरजीह दी जाएगी। नायब कासद BPS 3 की 1 सीट है, खवातीन कोटा 1 है, खुवानदा होना चाहिए, जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त, उम्र 18 से 40 साल। स्वीपर BPS 3 की 10 सीटें हैं, मेरिट पे 4, जोन 1 की 3, जोन 4 की 2, जोन 5 की 1, खुवानदा, उम्र 18 से 40 साल, मुतलका तजर्बा रखने वालों को अहमियत दी जाएगी। नेक्स्ट जो है अब इसकी शराइत वगैरह देखते हैं। स्क्रीनिंग आर्जी तौर पर शिरकत होगी, डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल की जाएगी, सिर्फ शॉर्ट लिस्ट में उम्मीदवारों को इंटरव्यू कॉल लेटर जारी किया जाएगा। जिस्मानी फिजिकल टेस्ट जो है, मर्द का 5 फुट और 6 इंच, छाती 33 इंच, 7 मिनट में 1 मील दौड़ यानी 1.6 किलोमीटर, खवातीन का कद 5 फुट 2 इंच, 9 मिनट में 1 मील दौड़ यानी 1.6 किलोमीटर। सिलेक्शन कमेटी के बाद उम्मीदवार पुलिस एंड सर्विस अस्पताल पेशावर में मेडिकल मुआयना करवाएगा और मेडिकल फिट सर्टिफिकेट फराहम करेगा। मुतफिक उम्मीदवारों को तलीमी इशनात जो है उसकी क्लियरेंस देनी होगी। तमाम उम्मीदवारों का इंतहाब हालसन मेरिट पर किया जाएगा। मुतफिक उम्मीदवार 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर जमानती बांड यानी रेस्क्यू शरायत के मुताबिक औद कमिश्नर के दस्तखत और स्टैम्प शुदा जमा कराने का पाबंद होगा। तमाम असामियों में 33 नंबर पासिंग मार्क्स हासिल करना ज़रूरी होंगे। दरख्वास्तों की वसूली की आखिरी तारीख तक उम्मीदवार हर लिहाज से अहल हो, नामुकम्मल एप्लीकेशन वसूल नहीं की जाएंगी। भलाई उम्र में रियायत हुकूमत कानून के मुताबिक है। सरकारी या नीम सरकारी इदारे के लोग जो हैं वो NOC लेकर अप्लाई करेंगे। एक से ज़्यादा असामियों के लिए दरख्वास्त कुनंदा जो है वो अलग अलग फीस या एप्लीकेशन जमा करवाएगा। कोई जो है TA DA जो है वो एडमिसिबल नहीं है। गैर मुल्की डिग्री रखने वाले जो हैं वो HEC से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट फ्राहम करेंगे। असामियों की तादाद में गलती के बायस कमी पेशी या तोसी की जा सकती है। एप्लीकेशन कैसे जमा करवाएं? इंटरेस्टेड कैंडिडेट www.etea.edu.pk.pk पर जाएं और वहां से ऑनलाइन जो है वो दरख्वास्त दे सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन जमा करवाने के बाद UBL ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप जिसमें टोकन नंबर, प्रोजेक्ट कोड और उम्मीदवारों की ज़ाती मालूमात होगी तैयार की जाएगी। वो जो है वो 650 रुपये UBL की किसी ब्रांच में जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन दरख्वास्त देने के बाद ईटा ऑफिस को दस्तावेज़ात ना भेजें, हत्ता कि अगर ईटा को ज़रूरत होगी तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। दरख्वास्त फॉर्म 1 जुलाई 2021 को ईटा की वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाने की आखिरी डेट 15 जुलाई 2021 है। उम्मीदवारों को ईटा की जानब से बजरिए SMS टेस्ट के लिए और रोल नंबर स्लिप के लिए इतला किया जाएगा। टेस्ट और मकाम का जो है वो जिक्र रोल नंबर स्लिप पर होगा। डाक कोरियर के जरिए स्क्रीन टेस्ट के लिए कोई कॉल लेटर जारी नहीं किया जाएगा। ज़रूरी हदायत, ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाने के लिए अपनी दस्तावेज़ पासपोर्ट साइज़ तस्वीर सॉफ्ट कापी अपने पास रखें। ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म फिल करने के लिए हदायत पहले अच्छी से पढ़ लें। ईटा किसी भी मरहले में जमा फीस की तस्दीक करेगा, किसी को और किसी NSA पर जमा शुदा फीस की तस्दीक नहीं होगी। ऑनलाइन दरख्वास्त जिक्र ना करने वाले तालीम, डिग्री, तजर्बा काबिल कबूल ना होगा। बैंक की रसीद अपने पास महफूज रखें और किसी और को ना दें, बवक्त ज़रूरत ईटा आपसे मांग सकता है। इन तमाम उम्मीदवारों की दरख्वास्तें जो ऑनलाइन फॉर्म फुल करते हुए दुरुस्त मालूम नहीं देते, उन्हें सिर्फ मुस्तरद नहीं किया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और ये जो एडवर्टीजमेंट की है डायरेक्टर जनरल हैबर पख्तूनख्वा, इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122। दैट्स ऑल अबाउट टुडे वीडियो। वी वेलकम इंशाल्लाह सून विद द मोर वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर द चैनल एंड